पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन की सूचना मिलते ही मंगलवार को उनके बड़गहन स्थित पैतृक आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। देर शाम उनका शव लखनऊ से बड़गहन लाया गया तो हजारों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा। बता दें कि सुखदेव राजभर एक ऐसे नेता थे जो हर किसी के लिए सुलभ रहते थे, जिसके कारण वे बेहद लोकप्रिय थे। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति उनके दरवाजे पर पहुंचा तो उन्होंने खुलकर उसकी मदद की, उसकी समस्या का समाधान होने तक लड़ते रहे। मंगलवार को जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली, सुबह से ही लोग उनके पैतृक आवास पर अपने नेता के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद गुप्ता भी मातहतों के साथ मौजूद रहे। पूरे दिन लोग उनके दर्शन को जमे रहे। सुबह से शाम हो गई लेकिन उनका शव नहीं पहुंचा, फिर भी भीड़ कम नहीं हुई। सामान्य व्यक्तित्व व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दूरदृष्टि के का व्यक्तित्व रहा। हमारे जैसे लोगों बहुत नजदीक का प्रारंभिक दौर से और अंतिम दौर तक बहुत प्रकरणों में हम सब लोग एक राय होकर जिला के संबंध में और हर चीज़ों में एक राय होकर के बात करके निर्णय लिया था। तो आज हम उनके परिवार उनके गाँव अपना करके वहीं पर उनके बच्चे कम बच्चे ऐसी ताकत दे कि समाज में जितने लोगों को संबंधों को छोड़ गए हों, वो जो